अब रुक करते हैं जयपुर के खेल सैनी स्टेडियम का, जहां आज पत्रकारों और कांग्रेस नेताओं के बीच T20 क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें पत्रकारों की टीम ने अंतिम गेंद पर रोमांचक जीत हासिल की। पीसीसी 11 और पत्रकार 11 के बीच हुए इस मैच में पीसीसी 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 126 रन बनाए, लेकिन पत्रकार 11 ने अंतिम गेंद पर मैच जीत लिया। इस रोमांचक मुकाबले का मुख्य सचेतक महेश जोशी ने उद्घाटन किया। वहीं मंत्री बी डी कल्ला, फर्स्ट इंडिया के चैनल हेड जगदीश चंद्र ने मैच के समापन समारोह में शिरकत की और विजेता उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया। इस खास मौके पर मुख्य सचेतक महेश जोशी, मंत्री बी डी कल्ला ने कहा कि ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। वहीं फर्स्ट इंडिया चैनल हेड जगदीश चंद्र ने कहा कि फर्स्ट इंडिया हमेशा ऐसे आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाता है। और उस लास्ट बॉल पे एक टीम ने तो ये समझ लिया कि हम जीत गए और तब तक दूसरी पत्रकार एकादश ने अपना एक रन ले लिया और एक रन से विजयी हुआ। इतना रोमांचक मैच कम देखने को मिलता है। मैं दोनों टीमों को बधाई देता हूं और ख़ास तौर से ये कहता हूं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बनाए रखें। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ये कहते थे, खेल को खिलाड़ी की तरह खेलें, अनुशासन में रहकर खेलें। तो ये मैच जो है बहुत ही अनुशासन में खेला गया और ऐसे मैचों से एक दूसरे से मित्रता, प्रगाढ़ता और ये कहना चाहिए कि आपस में फ्रेंडशिप बढ़ती है। मैं ये हमेशा चाहता हूँ कि पत्रकार और नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का आपस में बहुत ही अच्छा मेलजोल रहना चाहिए और इन मैचों के माध्यम से एक दूसरे के प्रति समझ, एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार और सद्भावना पैदा होती है। के लिए मैं आज तुम को हार्दिक बधाई देता हूँ। एक अच्छी परंपरा है, पिछले वर्ष भी हुआ था, दो तीन वर्षों से मौका हमें मिलता है। पत्रकार के जीवन में सुबह से रात तक का हिसाब है और टीआरपी के युग में तो पल पल की दौड़ है सर, जो है, लेकिन इसके लिए समय निकालना करना एक अच्छा प्रयास है। फर्स्ट इंडिया हमेशा प्रयास में आपके साथ हैं और आगे भी साथ रहेगा। यहाँ तक कला साहब का सवाल है, मैं उनसे कह रहा था कि सबसे लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं कला साहब, कभी ना नहीं कहते। आपने बुलाया आ गए, हमने बुलाया कल कराएंगे हमारे यहाँ भी। तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ इस अवसर पर, उनकी लोकतांत्रिक लोकप्रियता इसके लिए। और एक बार फिर से मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ।